हेलो एवरीवन वेलकम टू दिनोदर वीडियो ऑफ़ बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इन योर पैरामेडिकल एंड नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम इसके मैं और भी पार्ट्स क्रिएट कर चुका हूँ अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक है वहाँ से जाकर आप बाकी के पार्ट्स भी देख सकते हैं सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगन दिस वीडियो सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इन्जाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा इज सलाइवा में कौन सा इनजाइम प्रेजेंट होता है वो होता है टाइलिन सो टाइलिन इज द इजाइन विच प्रेजेंट इन अर सलाइवा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमन बॉडी नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ टोटल मास इज फॉर्मस जो ह्यूमन बॉडी में जो नाइन्टी नाइन परसेंट का जो मास टोटल मास होता है वो किसका बना होता है इज फॉर्म ऑफ नॉट सिक्सटीन ट्वेल्व टेन इट इज़ फॉर्म ऑफ सिक्स बायो एलिमेंट्स सो जो ह्यूमन बॉडी का नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ टोटल मास होता है वो फॉर्म्ड होता है सिक्स बायो एलिमेंट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन इज प्रजेंट इंड नाइट्रोजन किस में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है इन द प्रोटीन सो प्रोटीन्स में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो क्या है सिंपल है एडवांस है कॉम्प्लेक्स है या हाईली कॉम्प्लेक्स जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हाईली कॉम्प्लेक्स होता है नॉट इट इज सिंपल एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स सो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज हाईली कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपेरकुलम इज प्रेजेंटेड इन ओपेरकुलम किस में प्रेजेंट होता है ओपैरकुलम इज प्रजेंट इन बोनी फिश देखो जो फिश में होता है वो ओपरकुलम प्रेजेंट होता है ओपैरकुलम क्या होता है ये जो गिल्स होते हैं फिश में उसकी जो कवरिंग होती है सो जो कवरिंग ऑफ गिल्स को हम कहते हैं ओपैकुलम सो ये फिश में ही होता है इन द बोनी फिश स्पेशली नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द अरेंजमेंट ऑफ ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसको स्किप कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच एनिमल रिस्पायरेटरी सर्फेस आर फाउंडड मोर देन वन ऑर्गन वो कौन सा एनिमल है जिसमें जो रिस्पायरेटरी सर्फेस होते हैं वो एक से ज़्यादा ऑर्गन में होते हैं रिस्पायरेटरी सर्फेस मतलब जिसकी वजह से रिस्पायरेशन हो सके तो वो जो फ्रॉग जो एनिमल होता है उसमें एक से ज़्यादा आपके रिस्पायरेटरी ऑर्गन रहते हैं जैसे कि आपके लंग्स हो गया फ्रॉग में साथ ही साथ स्किन से भी रिस्पायरेशन होता है और साथ ही साथ लाइनिंग ऑफ जो माउथ होती है उसमें भी रिस्पायरेशन होता है तो जो फ्रॉग है उसमें मोर देन टू पार्ट्स में क्या होता है रिस्पायरेशन होता है रिस्पायरेटरी सर्फेस प्रेजेंट होता है नेक्स्ट कम्युनिटीज़ आर प्लैंक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज़्म तो कम्युनिटीज जो होती हैं वो होती हैं कलेक्शन डायनेमिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज़्म नॉट स्टैटिक स्टेटिक नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्ट इज इनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन कॉल्ड जो हार्ट इनक्लोज होता है मेम्ब्रेन में उस मेम्ब्रेन में हम क्या कहते हैं मतलब कि कवरिंग ऑफ हार्ट को हम कहते हैं पेरिकार्डियम सो पेरिकार्डियम इज द कवरिंग ऑफ हार्ट द नंबर हो चुके हैं अभी तक जितने पता चल चुके हैं आपके हैंटली नोन टू साइंस नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ब्लड इज पुस्ट इनटू जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड होता है वो पुस्ट होता है पल्मोनरी ट्रंक में सो राइट वेंट्रिकल से आपका ब्लड जाता है इन द पल्मोनरी ट्रंक की बात पता होनी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टिश्यूज आर स्टडीज़ वो कौन सी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ते हैं टिश्यूज़ के वो हमारी होगी हिस्टोलॉजी सो हिस्टोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं वो बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और फंक्शन पढ़ते हैं ऑफ़ टिश्यूज के नेक्स्ट है बायोमेटन है बायोमेट्री इज द एप्लीकेशन ऑफ ब्लैंक इन बायोलॉजी सो बायोमेट्रिक इज़ द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी की कौन सी वो एप्लीकेशन है बायोमेट्री सो बायोमेट्री इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक्स इन बायोलॉजी सो स्टैटिक्स जो आपका ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वन वन फोर जो आपका क्वेश्चन है इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है इसको स्किप कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्लैंक इन एटीन हंड्रेड सो जो बायोलॉजी का टर्म है वो कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था एटीन हंड्रेड में बायोलॉजी का टर्म आया था लेकिन कि, कि, किस जगह पर सो so, जर्मनी में आपका जो हुआ था बायोलॉजी टर्म इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट है स्पीशीज स्पीश प्रीवियस वीडियोस में भी, भी बता चुका हूँ कि स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन सो यहाँ पे स्पीशीज ऑप्शन राइट हो जाएगा नेक्स्ट है यूगली बिलोंग्स टू द किंगडम यूगलिना किस किंगडम से बिलोंग है यूगलिना इज बिलोंग टू द किंगडम प्रोटेस्टा किंगडम प्रोटिस्टा से यूगलिना बिलोंग करता है नेक्स्ट है वायरसेस आर कंसीडर्ड लिविंग्स बिकॉज वायरस को लिविंग हम क्यों मानते हैं देखो वायरस को लिविंग इसलिए मानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है वायरसेस आर कंसीडर्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज वायरसेस को लिविंग ऑर्गेजम क्यों मानते हैं तो इसके ऊपर अगर डिस्कस करें तो जो वायरस होता है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों की तरह वर्क करता है क्योंकि जब वो आउटसाइड द लिविंग बॉडी होता है तो वो नॉन लिविंग की तरह वर्क करता है बट वो किसी की बॉडी में एंटर कर जाता है तो वो एज अ लिविंग वर्क करता है बट अगर यहाँ के ऑप्शन देखें तो ये जो हमारा ऑप्शन है दे कंटेन डी एंड कैन बी रिप्रोड्यूस क्योंकि वो क्या है डी क्योंकि उसमें डीएनए होता है और वो रिप्रोड्यूस भी कर सकता है मतलब कि अपनी कॉपी भी बना सकता है इस वजह से वायरस को हम लिविंग ऑर्गेजम की तरह कंसिडर करते हैं ऑप्शन डी राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स दैट प्लांट नीड इन वेरी स्मॉल अमाउंट एक्सेप्ट मतलब कि जो प्लांट्स में हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमें जरूरत होते हैं सिर्फ एक एलिमेंट के अलावा वो कि हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हमारा लार्ज अमाउंट में जरूरत पड़ता है रेड्स जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल अमाउंट में भी चल जाते हैं तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है कैपिलरीज आर द एग्जांपल ऑफ कैपिलरीज किस चीज का एग्जांपल है सो कैपिलरीज हमारा एग्जांपल है ऑर्गन सिस्टम का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा हु नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को किसने डिस्कवर करा था तो फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने सो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द लिविंग सेल एट फर्स्ट टाइम ऑप्शन बी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है अमीवा कैन मूव विद द हेल्प ऑफ अमीवा किसकी मदद से मूव करता है तो अमीवा मूव करता है विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया सीडोपोविया क्या होते हैं अमीवा के फॉल्स फीट होते हैं मतलब कि उसके वो मतलब लेग्स नहीं होते बट उन्हें एज अ लेग मार लिया जाता है इसलिए उन्हें हम फॉल्स फीट भी कहते हैं और जो फॉल्स फीट होते हैं उन्हें हम कहते हैं सीडोपोडिया नेक्स्ट है हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ डेमोग्राफी डेमोग्राफी के फादर को हमें डेमोग्राफी के फाइवर हैं ए आई बी एन खाल सो so जो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इसलिए आप इसे स्किप भी कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द वन विच इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स वो कौन सी चीज़ है जो इनमें से एक ही वो लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होती ही है तो वो आपका हो गया डीएनए या फिर आरएनए या तो लिविंग सेल में डीएनए होगा या फिर लिविंग सेल में आरएनए होगा सो so, ऑप्शन जो बी है वो राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड नेचर की स्टडी हम क्या कहते हैं नेचर की स्टडी को हम कहते हैं साइंस ये एक सिंपल क्वेश्चन है एंड आई नो इसका आंसर आपको भी पता होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल्स दैट इट प्लान ये तो बहुत ही लोअर क्लास का एग्जाम्पल है और इसका आंसर होगा हर्वी वोर्स हर्वी वोर्स को ही हम कहते हैं एनिमल्स जिससे प्लांट ईट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लैंक कंटेन द ग्रीन केमिकल कॉल्ड क्लोरोफिल कौन सा वो मतलब चीज़ होती है जो क्लोरोफिल पिगमेंट को कंटेन करती है ग्रीन केमिकल सो जो हमारा ग्रीन केमिकल है वो हो गया क्लोरोप्लास्ट तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एज अ ग्रीन केमिकल नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ब्लैंक कंटेन्स द ग्रीन केमिकल कॉल्ड क्लोरोफिल मतलब वो किस चीज़ में हमारा ग्रीन केमिकल होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं वो हमारा क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट क्या होता है मैं लीवस में, में प्रेजेंट होता है और जिसकी वजह मतलब से हमारे लीव का कलर ग्रीन होता है सो so क्लोरोप्लास्ट में ही हमारा क्या होता है क्लोरोफिल जिसकी वजह जिसकी मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ इट लीव्स का कलर ग्रीन होता है नेक्स्ट है इज़ द साइंटिफिक वर्ड फॉर ह्यूमन बींगस कौन सा इसमें से साइंटिफिक uh, वर्ड है ह्यूमन बींग का ह्यूमन वीक का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है होमो सेपियंस यहाँ पे जो सेपियंस की स्पेलिंग है उसमें थोड़ा मिसप्रिंट है uh, सेपियन की स्पेलिंग आपकी रहती है एस ए पी आई ई एन एस सो होमो सेपियंस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमस नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका लैक्टोमीटर इज यूज फॉर लेक्टोमीटर किस में यूज़ होता है यूज फॉर मिल्क मिल्क के लिए यूज़ होता है लैक्टोमीटर क्या होता है ये इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं जो मिल्क को मीजर करने में हेल्प होता है मिल्क इससे मीजर किया जाता है तो लैक्टोमीटर इज यूज फॉर मीजरिंग द मिल्क लास्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है डेंसिटी ऑफ ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन सेपरेट द मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ जो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन है जो मटेरियल को सेपरेट करती है किसके बेसिस पर वो साइज के बेस पर भी करती है मतलब सेपरेट करती है और साथ ही साथ डेंसिटी की से भी बेसिस करती है सिर्फ डेंसिटी के बेसिस पर इसका सेपरेशन नहीं होता है अगर बात करें डेंसिटी ग्रेडियंट सेंटिफिकेशन होता क्या है सो so ये एक मैथड होता है जिसकी मदद मतलब से हम कंपोनेंट मतलब जो सैम्पल होता है उसको सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड डेंसिटी दोनों के दोनों के बेसिस बेस पर हम इसे सेपरेट करते हैं मटेरियल को सो so ये जो कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे जो मैंने डिस्कस कर दिए आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस वेरी वेल So, so, please like the video. And if you're new to my channel, then please subscribe it and hit the bell icon to get all the future notifications time to time. So, now it's time to end this video. I will come back with a new video soon.